हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीजीटी एसएसटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, उसके से रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। लेकिन यहाँ पर डाउट आना लाजमी भी है क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ भी आप टीजीटी एसएसटी की पोस्ट देखते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कई बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बावजूद भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से सिलेक्शन नहीं पा पाते। तो होप सो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। और इनकी अगर मैं बात करूँ जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के जो रूल्स आए हैं उनमें सारी चीज़ें क्लैरिटी से आपको मैंशन कर रखी हैं कि टीजीटी एसएसटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, होप सो सारी चीज़ें मैं आप लोगों की क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि या तो आपके पास हिस्ट्री के साथ, देखिए दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास 3 साल। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें इन्होंने कंडीशन लगाई हैं वो बता देती हूँ। दो सब्जेक्ट एटलीस्ट होने चाहिए 3 साल आपके, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास हिस्ट्री है 3 साल और ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इन तीनों में से कोई एक है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, या फिर ज्योग्राफी है आपके पास मेन सब्जेक्ट एज अ और हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये आपका कॉम्बिनेशन है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्लियर कट इन्होंने नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं बात करूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 3 ईयर्स आपको पढ़े हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली ये बात हो रही है कि आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 साल हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, प्लस अगर आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से ऑनर्स वाली डिग्री है तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट तो आपको 3 साल पढ़ा होना ही चाहिए, लेकिन आपको जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हिस्ट्री की अगर बात करें, ये आपने 3 साल पढ़ लिया, लेकिन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आपके में इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 2 साल भी पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। होप सो सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। या फिर आपके पास ज्योग्राफी ऑनर्स था, हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि मेन सब्जेक्ट आपका 3 साल पढ़ा होना चाहिए और जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 2 साल भी चल जाएगा, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑनर्स वालों का। ये सारी चीज़ें वैसे तो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मैं एक बार शो कर दूंगी आप लोगों को। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि आप केवीएस में देखते हो और भी कई जगह देखते हो, एनवीएस में भी यही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है टीजीटी एसएसटी का, तो उन लोगों को यहाँ से पहले ही मना कर दिया जाता है। लेकिन जितना क्लियर कट इन्होंने लिखा है अभी तक तो मुझे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला जितनी जिसमें कि इतनी क्लियरिटी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बता रखा हो। ठीक है, होप सो सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी, तो याद रखिएगा। और प्लस सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए जो कि एसएसटी का हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करी हों, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना। बाकी नोटिफिकेशन यहाँ आपको शो हो रहा है ऑफिशियल। अगर आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट केवीएस जैसा ही सिलेबस, क्योंकि आपके ऑफिशियल सिलेबस कोई डिफाइन नहीं किया गया है। अगर कोई आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन अभी तक आपको थोड़ा सा एक एनसीईआरटी पे बेस बनाते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही हो, और कोई डाउट हो कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।